सो गाइस, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आप GTA Vice City जो है खेलते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं GTA Vice City Netflix, उसके अंदर आपको ये प्रॉब्लम आ रही है, डाउनलोड स्टॉल्ड, प्लीज़ चेक योर कनेक्शन। वैसे तो ये OBB प्रॉब्लम होती है, आप सभी को पता ही होगा, और ये प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होगी मैं आपको बता देने वाला हूँ इस वीडियो में। यहाँ पर 102 ट्रिक बताने वाला हूँ, तो उनको अप्लाई करेंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो चलिए जान लेते हैं वो ट्रिक्स कौन सी है जिनसे आपकी ये प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगी। सबसे पहले आपको काम क्या करना है, कई बार ये प्रॉब्लम आ जाती है आपके नेटवर्क की वजह से, तो आपका इंटरनेट वगैरह अच्छा ना चल रहा हो तो भी आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। देन उसके लिए आपको क्या करना है, अगर आपने मोबाइल डाटा ऑन करके रखा हुआ है उसको ऑफ करें, ऑफ करने के बाद फिर से ऑन कर लें, ये काम आप कर सकते हैं। या फिर आपने जो है यहाँ पर जो आपका वाईफाई होगा उसको जो है रिकनेक्ट कर सकते हैं आप, या फिर किसी का हॉटस्पॉट लेकर आप चेक कर सकते हैं, ये काम आप कर लीजिए। अगर ये नहीं करना चाहते तो आपके मोबाइल में एयरप्लेन मोड होगा, एयरप्लेन मोड जो है जिसको हम फ्लाइट मोड बोलते हैं उसको ऑन करिएगा। ऑन करने के बाद जो है 10 सेकंड ऑन रखना है, फिर उसके बाद बंद कर देना है। नेटवर्क्स आपके रिफ्रेश होकर आ जाएंगे, इंटरनेट आपका फिर से चलने लग जाएगा अच्छे से, अगर इंटरनेट की प्रॉब्लम होगी तो वह सॉल्व हो जाएगी, ये काम आपको कर लेना है। देन उसके बाद आपको क्या करना है, सेटिंग में आना है, सेटिंग में आने के बाद आपको स्क्रॉल करना है नीचे और यहाँ पर ऐप्स पर क्लिक कर लेना है। देन उसके बाद मैनेज ऐप्स पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको सर्च बार देखने को मिल रहा है, सर्च बार में आपको सर्च करना होगा जो आपकी गेम है GTA Vice City, यो आपको सर्च कर लेनी है, यहाँ पर आ चुकी है। यहाँ पर इसको ओपन करते हैं, ओपन करने के बाद यहाँ पर सबसे ऊपर स्टोरेज देखने को मिल रहा है, इस पर क्लिक करिए। क्लियर डेटा देखने को मिल रहा है नीचे, इस पर क्लिक करिए। यहाँ पर सबसे पहले इसका क्लियर कैश करिए, देन उसके बाद अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है देन उसके बाद फिर क्लियर ऑल डेटा कर दीजिए, यह काम आपको करना होगा। अगर आपकी प्रॉब्लम फिर भी सॉल्व नहीं होती है, फाइनली एक और आप काम कर सकते हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ। किसी भी ब्राउज़र को ओपन कर लीजिएगा, किसी भी ब्राउज़र को ओपन करने के बाद अब यहाँ पर आपको सर्च करना होगा GTA Vice City Netflix APK OBB डाउनलोड, यह आपको सर्च करना है। देख लीजिए जो मैंने लिखा ऊपर, ये कुछ इस तरह से लिखना है, GTA Vice City Netflix APK OBB डाउनलोड, ये लिखना है, सर्च कर लेना है। OBB फाइल आपको डाउनलोड करनी होगी, बहुत सारी वेबसाइट्स देखने को मिल रही हैं यहाँ पर, जितनी भी वेबसाइट देखने को मिल रही है अब यहाँ पर किसी भी वेबसाइट से जो है इस OBB फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको डाउनलोड करने में भी प्रॉब्लम आती है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपके लिए उसका भी सॉल्यूशन लेकर आऊँगा। सो गाइस, आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल द बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।